किचन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सोया कबाब। तो सोया कबाब ले बनाने के लिए हमने ले रखे हैं एक कटोरी, ये सोयाबीन है हमारा और बेसन है, जिससे कि हम इतना नहीं डालेंगे, आवश्यकता के अनुसार ही बेसन डालेंगे। और ये मीडियम साइज का हमारा प्याज है, जिसको भी हम बारीक काट के इसमें डालेंगे। 4 हरी मिर्च और ये जीरा धनिया और लाल मिर्च है, इसको रोस्ट करके ददरा पीस के हमें डालना है। तो चलते हैं। आप देख सकते हो पानी हमारा उबल रहा है, उबलते हुए पानी में हम अपने सोयाबीन को डालेंगे और इसको एक उबाल तक बॉयल कर देंगे अच्छी तरह से। यदि आपके पास समय है तो आप ठंडे पानी में इसे फूलने के लिए डाल दीजिए सोयाबीन को, उसके बाद से आप इसका पानी निचोड़ कर फिर इसको पीसिए। तो हमें जल्दी में बनाना है, इसलिए मैं बॉयल कर रही हूँ। तो उबलते हुए पानी में हमने डाल दिया है, अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उधर सोयाबीन हमारा फूल रहा है, तब तक हम अपने सारे मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। गरम कढ़ाई में हम इसे डाल देंगे और हल्का हल्का हमें रोस्ट करना है। देखिए हमें इसे दरदरा पीसना है। आप देख सकते हो हमने सारे मसाले को रोस्ट कर लिए हैं। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा करके फिर इसे दरदरा में पीस लूँगी। तब आप देख सकते हो सोयाबीन हमारे अच्छे तरह से फूल चुके हैं इस तरह से। और देखिए हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसे हम ठंडे पानी से अच्छी प्रकार धो देंगे। सारे सोयाबीन को हम अच्छी तरह से निचोड़ देंगे, जितना भी इसका पानी इसमें है इस तरह हमें दबा के निचोड़ देने हैं, ताकि सारा पानी इसमें का निकल जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें पीसना है, नहीं तो ज़्यादा अगर हम डाल के पीसते हैं तो फिर पीसने में प्रॉब्लम आएगी और अच्छी तरह से हमारा सोयाबीन पीस भी नहीं पाएगा। तो चलते हैं, हम इसे पीस लेते हैं। आप देख सकते हो हमने सारे सोयाबीन को पीस लिए हैं इस तरह से, हमें बिल्कुल बारीक पीस लेने हैं। आप देख सकते हो हमने पीसे हुए सारे सोयाबीन को एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज और हरी मिर्च, जिसको हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब सारे मसाले जिसको हमने दरदरा पीस लिया है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। डाल देते हैं हल्दी पाउडर आधी चम्मच और आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आधी चम्मच हम धनिया पाउडर भी इसमें डाल देते हैं। नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। आधी चम्मच है हमारे पास अमचूर पाउडर, इसको भी हम डाल देंगे थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए। सारे मसालों को हम अच्छी प्रकार से मिक्स कर देंगे। आपके पास और भी वेजिटेबल डालना चाहते हैं यदि आप, तो आप डाल सकते हैं। बारीक बारीक काट कर ही डालना है जो भी वेजिटेबल हम इसमें डालेंगे। सारे मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। हम डालेंगे बेसन। बेसन तो हमें थोड़ा ही डालना है, सिर्फ बाइंडिंग के लिए हम बेसन को डालेंगे और इसे भी हम अच्छी प्रकार से मिक्स कर देंगे। हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे हम। बेसन हमारा कम लग रहा है, थोड़ा बेसन और हम डालेंगे। यदि आपका डो ज़्यादा हार्ड हो जाए तो आप थोड़ा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा यदि ढीला हो जाए मतलब पतला हो जाए तो थोड़ा बेसन आप ऐड कर सकते हो। यदि आप इसमें चाहो तो बेसन की जगह पे अरारोट पाउडर या मैदा भी डाल सकते हो। आप देख सकते हो डो हमने बना लिया है, बिल्कुल हमें जैसा चाहिए था वैसा डो बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम कटलेट का शेप देंगे। तो इस तरह से हमें ले लेना है इतनी बड़ी बड़ी लोई। व
और गोल शेप देते हुए कटलेट का शेप दे देंगे। इसी तरह सारे हम टिक्किया बना लेते हैं। आप देख सकते हो हमने सारी कटलेट बना लिए हैं सोया के, और हमें इस तरह से शेप देने हैं। यदि आप चाहें तो आप दूसरे तरह से भी शेप दे सकते हैं अपने मनपसंद का, तो हम इसी तरह का शेप दिए हैं। अब चलते हैं, इसे हम तल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो एक एक करके हम अपने सारे कटलेट को डाल लेते हैं। जितनी कटलेट हमारी आ जाए एक बारी में उतनी हम डाल लेंगे। तेल को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है गरम, नहीं तो फिर ज़्यादा हम तेज़ कर देते हैं तो कबाब हमारे जल जाएंगे और अंदर से फिर कच्चा हो जाएगा। अभी इसे हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, पहले एक साइड के अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद ही हम फिर इसे अलटते पलटते हुए पकाएंगे। हम देख लेते हैं कि हमारा एक साइड का पक चुका है कि नहीं। तो हाँ, देखिए एक साइड का हमारा पक चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब सारे कटलेट को हम पलट देंगे। दूसरी साइड भी हम अच्छे प्रकार से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे लो फ्लेम पे। कबाब हमारे अच्छी प्रकार से पक चुके हैं। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यदि आप चाहें तो इसको कम तेल में भी पका सकते हैं। यदि आपके घर में कोई कम तेल खाने वाला हो तो फिर आप कम तेल में भी पका सकते हैं। तो हमारे सारे कबाब बन चुके हैं। देखिए इस तरह से कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा कलर इसका दिख रहा है। आप भी यदि हमारे बताए अनुसार कबाब बनाते हैं तो आपका कबाब भी बहुत ही बढ़िया बनेगा और एकदम क्रिस्पी बनेगा। अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है इसमें। तो आप इसे घर में एक बार अवश्य ट्राई कीजिए। और हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।